हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लेटर सेक्शन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन पार्ट बनती है। जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों को मेनली, अगर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगी, जिसमें से मैं 18 मार्क्स में आप लोगों को साइड कर देता हूँ। 18 मार्क्स क्या है सर? पैसेज है, और पैसेज से रिलेटेड किस तरह से पैसेज को सॉल्व करना है, किस तरह से टाइटल देना है, हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना है, समरी लिखना है, ट्रिक का माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो को मेरे दोस्त बिल्कुल देखिएगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप 18 मार्क्स लेना चाहते तो एक भोंदू से भोंदू लड़का इस वीडियो को देखेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि पैसेज को कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इस पैसेज को बिना बनाए घर लौट कर आते हैं और पता है इसके पेपर में 18 मार्क्स यहां से निकल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से 18 मार्क्स छूट जाए, बैसक मत बनाना। अगर आप चाहते हैं नहीं सर 18 मार्क्स तो दूर की बात, एक एक मार्क्स हम लोगों का इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा पैसेज से रिलेटेड। इसी के साथ मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल का। सर आर्टिकल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जो आर्टिकल का वीडियो है ना, आपको एक बार जरूर जाकर देखिए कि आर्टिकल का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो, लेटर सेक्शन हो या आप लोगों का नोटिस सेक्शन को, जब भी आप लोग बनाएंगे प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है इसी के बारे में आप लोगों को बनाना है, नहीं तो फिर आप लोग रोना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसी को देखते हुए मैं लेकर आया हूं आपके सामने जो लेटर सेक्शन होती है। ऐसा तो लेटर बहुत सारा है, ठीक है, ऐसा तो लेटर जो है बहुत सारा है, पर मेरे अकॉर्डिंग ना तीन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। सर पहला लेटर क्या है? पहला लेटर होगी सर कि मान लेते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है सड़क दुर्घटना घट रही है, आप सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। और एक क्या है सर कि मैं मान लेते हैं स्कूल या कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ और हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी ओपन किया गया है, किसके रिगार्डिंग? कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर की संख्या 20 को है और स्टूडेंट पहुंच जा रहे हैं 200, तो मैं एक ऐसा रिक्वेस्ट करूँ अपने प्रिंसिपल से, कहूँ सर कृपया करके आप हमारे कंप्यूटर की संख्या को इंक्रीज कर दें ताकि सारे स्टूडेंट को अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाकर नॉलेज हासिल कर सके। क्या तैयार है? स्टार्ट किया जाए। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे कर दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आते से लेटर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेटर राइटिंग दो टाइप का होता है सर। मैं अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो लेटर सेक्शन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं सर। एक अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करता हूं तो सबसे पहले एक होता है सर एडिटर। क्या होती है सर? एक होता है एडिटर लेटर राइटिंग, और एक होता है सर आप लोगों को जो फॉर्मल होती है, एक फॉर्मल। इसी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में सबसे ज्यादा जो है ना अभी प्रेजेंट टाइम में स्कूल या कॉलेज के बारे में पूछी जाती है, याद है। क्या होते हैं? स्कूल या कॉलेज के बारे में पूछी जाती है। तो आज हम लोग दोनों चीज को कवर करने वाले हैं, एडिटर को भी देखने वाले हैं और फॉर्मल लेटर को भी देखने वाले हैं। और लिखने का तरीका, आज से दो दिन पहले आप लोगों का एक मैसेज आप लोगों को बताया गया था जैकबोर्ड के माध्यम से, एक मैसेज आया था आप लोगों का, यस या नो, बताया था कि स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा गलती के कारण क्या करते हैं, जब उनका कॉपी को भी टीचर चेक करते हैं तो उनके पूरी तरह से उनका लिखा हुआ चीज को काट देते हैं। तो स्टूडेंट्स को कहा था ये भी कि आप लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़े जो गलतियां करती है इसमें सुधार करें। जैसे कहा था एग्जाम्पल, जैसे कहा था कि आप जब भी लेटर लिखे स्ट्रक्चर वे में लिखे, पोएट्री सेक्शन का लिख रहे हैं तो पोएट्री सेक्शन के स्ट्रक्चर वे में लिखना चाहिए। मतलब है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इस तरह से आपको लिखना है। खैर चलिए मैं बता चुका हूं, मैं क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन है आप लोगों का कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड हिम, राइट ए एक ऐसा पत्र लिखे अपने प्रिंसिपल से, रिक्वेस्ट कीजिए, दया कीजिए सर हिम या हर टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे कंप्यूटर की संख्या को इंक्रीज कर दे। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, इस जगह पे ध्यान देना है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लेटर लिख रहे हैं ना टू द एडिटर, ये आप लोग स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को देख कर ना एग्जामिनर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से लिखा है कॉपी। ये स्ट्रक्चर बहुत जल्दी है, बहुत आप लोगों को सोच समझ कर लिखना होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, समझिएगा। तो आपके स्कूल का नाम यू आर नीति, आपका नाम क्या है? नीति या संस्कार ऑफ आईबी स्कूल बोकारो। आप कहां पे मान लेते हैं? बोकारो का है, जहां का रहेगा इस क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ, याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो भी मेंशन क्या हुआ रहेगा आपको उसी का लिखना है, ना कि अपना स्कूल का, ओके। चलिए सर आंसर पे आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिखने के स्ट्रक्चर,
सबसे पहले लिखेगा सर टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल बोकारो, यहाँ पे लिखना है आपको बोकारो, क्या लिखना है बोकारो, जो जो बोकारो से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बोकारो है, ठीक है यहाँ पे बोकारो आपको नहीं लिखना है, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं आपको उसी तरह से लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक निकालना है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल बोकारो, टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल रांची, कहीं पर भी सब्जेक्ट जब भी लिखे टू का जस्ट नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है मेरे दोस्त सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब, कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन पे लिखा हो जाए, अगर नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि क्या मैं जो सब्जेक्ट लिखूं क्या एक ही लाइन में हमको लिखना जरूरी है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, समझ पा रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। अब आते हैं रिस्पेक्टेड सर, अब बोलेंगे सर रिस्पेक्टेड सर, अब जैसे आप लोग रिस्पेक्टेड सर के बारे में लिखेंगे याद रखिएगा आपको यहां समझ में आया टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल रांची बोकारो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर लैब, जो भी आपका सब्जेक्ट होगी वह सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन पे ही मेंशन क्या हुआ रहेगा उस सब्जेक्ट को आप लोगों को देखकर लिख डालना है रिस्पेक्टेड सर। अब क्या लिखना है समझिएगा, एक एक बात को मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा लिखा है सर वी हैव ऑनर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द fact that a computer lab was set up in our school last 2 years so that the student of the school could gain technical knowledge and until is analyzing the latest device of learning। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुद्दे की बात पे आते थोड़ा सा बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना, समझिएगा सर थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या पूछा गया फिर से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। We have honor to draw your kind attention to the effect that a computer lab was set up in our school last 2 years so that the students of the school could gain technical knowledge utilizing the latest device of learning। बताया गया है हमें इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने में गर्व महसूस हो रही है, इसको बोल रहा मैं टीचर्स को बोल रहा प्रिंसिपल को कि पिछले 2 वर्षों में हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई, पिछले 2 साल पहले हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है सर। आगे लिखना है वी वेर हाईली इंटरेस्टेड व्हेन इट वाज सेट अप, और आगे कहता है सर जब इसकी स्थापना की गई तो हम अत्यधिक उत्साहित थे, जब इसकी स्थापना की गई थी सर तो हम लोग क्या थे काफी ज्यादा उत्साहित थे। आगे कहता है क्या समझेगा सिंस द कंप्यूटर लैब्स वेर सेट अप इन 2 इयर्स एगो, जब 2 साल पहले जब इसका स्थापना की गई थे तो हम लोग काफी ज्यादा क्या थे खुश थे। कहता है क्या समझेगा, कहता है कि सिंस द कंप्यूटर लैब वेर सेट अप इन 2 इयर लेटर, कहता है चूंकि कंप्यूटर प्रयोगशालाएं 1 साल बाद स्थापित की गई, 1 साल बाद जो है स्थापित किए गए, सो देयर इज द बैक ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर एज द स्टूडेंट्स वेर इंक्रीज्ड। आगे कहता है सर कि समझे इसलिए जैसे जैसे छात्र बढ़ते गए, जैसे जैसे छात्र जो है बढ़ते चले गए हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की कमी आती गई है। अब आप ही बताइए कि दिन प्रतिदिन अगर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो बिल्कुल उसी जगह पे याद रखिएगा कंप्यूटर की संख्या घट जाएगी, घटेगी या नहीं बताइएगा सर। आगे लिखते देयर इज नॉट सफिशियंट, क्या देयर इज नॉट सफिशियंट नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द लैब दैट द स्टूडेंट्स कैन यूज इट एट ए टाइम, और कहता है किसके बारे में समझेगा, कहता है सर कि कहता है कि लैब में इतनी संख्या में कंप्यूटर नहीं है, इस लैब में इतनी संख्या में कंप्यूटर नहीं है कि छात्र उसका उपयोग कर सके, छात्र इसका उपयोग एक ही टाइम पे कर सके, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या इतना डिटेल्स में जब मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को धस रहा है या नहीं, ये ऊपर ऊपर उड़ रहा है, 2 लेटर 3 लेटर को कर लेना है मेरे दोस्त, 1 लेटर ये है, आगे देखते हैं बाकी आपको यहां सेम लिखना है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट एट हाउ दैट यू ऑनर आगे लिखता वुड बी काइंड इनफ टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द लैब, आगे कहता है कि सर इसलिए हम अनुरोध करते हैं, इसलिए सर आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आशा करते हैं कि आपका सम्मान प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के पर्याप्त दावी होगा, ये लिखना है। उसके बाद आपको यो सिंसियरली संस्कार जो भी नाम दिया होगा वहां पे क्वेश्चन पे आपको वही नाम यहां पे लिख देना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। हाँ अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राइट रिलेटेड टू द एडिटर, किसको लिखना है
एडिटर के पास। क्या दोस्तों, किसको लिखना है? एडिटर के पास लिखना है और बताना है किसके बारे में, समझेगा। टाइम, द टाइम, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी लेटर आपका लिखना है एडिटर के पास, ये आपका दिया हुआ रहेगा, याद रखना, ये दिया हुआ रहेगा। किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उस समय आपको लिखना होगा सही तरीके से। समझ में आ रहा है ना, धस रहा ना। चलिए आगे देखते हैं सर, क्या है, समझना बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट को। कहता है क्या सर, कि ड्रॉ हिज अटेंशन टुवर्ड इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट, डू द रेस ड्राइविंग हाईलाइट द प्रॉब्लम एज गिविंग ए फ्यू अ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन जो है हमारे यहाँ पे क्या होती है, किसकी संख्या बढ़ रही है, तो बताएंगे सर हम लोग का दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसी को देखते हुए एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है और बताना है। क्या बताना है दोस्तों, बताएंगे कि जैसे ये लोग सही तरीके से अपने वाहन का प्रयोग करके वो एक्सीडेंट से बच सके। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा, जल्दी से बताएं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट में लिख रहा है एसएस स्टूडेंट्स, पता नहीं कुछ नहीं पढ़े ऐसे, साल भर से पास हो पाऊंगा या नहीं। साल भर कहाँ किए थे भाई आप, कहाँ गए थे भाई साल भर? तो सो रहा था एक से एक स्टूडेंट इस दुनिया पर भाई, मानना पड़ेगा। साल भर कुछ नहीं पढ़े और हमें 90% मार्क्स लाना है, दो दिन पढ़ के, जो पूरे साल भर पढ़ रहा है वो क्या करेंगे, इस मुझ करेंगे वो पागलों की तरह मैसेज कर रहे हैं। चलिए खैर, मैसेज करने वाले को छोड़ ही देते हैं, सब कुछ काम ही ऐसा है तो क्या कीजिएगा, काम धंधा कुछ रहता ही नहीं। चलिए देखते हैं सर, तो ये सर क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है इसके बारे में, समझिएगा सर। क्वेश्चन है सर अशोक नगर, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि कौन जगह है, जगह कहाँ है, लिखा रहेगा। तो अशोक नगर रातू रोड रांची, अरे जो रांची है ना रांची, इसको यहीं पे लिखना है, याद रखना है, क्या लिखे, रांची आपको यहीं पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है सर डेट, याद रखिए डेट यहाँ पे नहीं लिखा जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, सिर्फ डबल यहाँ पे आ गया, सॉरी डबल आ गया, यहाँ से लिखना है टू द एडिटर द टाइम, तो टाइम जो हिंदी पेपर का नाम होगी हिंदुस्तान, मान लेते हिंदुस्तान पेपर रांची, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू रेस ड्राइविंग, याद रखना है, समझ में आ रहा होगा, ये नहीं लिखना है, ये आपका छोड़िए छोड़िए दूसरा जगह पे लिखा गया, ठीक है। टू द एडिटर, उसके बाद द टाइम, जो भी आपका पेपर का नाम दिया रहेगा, जो भी न्यूज़पेपर का नाम, जरूरी नहीं कि हिंदुस्तानी रहेगा, हो सके न्यूज़पेपर का नाम प्रभात खबर दे दिया है तो प्रभात खबर लिख देना है। सब्जेक्ट इंक्रीजिंग, समझ में आ गया होगा, आगे देखते सर लिखना है क्या है इसके बारे में, समझेगा। लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज पेपर आई वॉन्ट टू कंसल्ट अथॉरिटीज टू पे अटेंशन टुवर्ड इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। देखिए जब भी आपके पेपर में, जब भी एडिटर के पास लेटर आ जाए, सोचे कि बल्ले बल्ले हो गया, क्यों सर ऐसा क्या बात है। देखिए एग्जामिनर 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में तो आपको याद रखेगा, 1.5 मार्क्स सिर्फ मिलेगा आपको फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फॉर्मेट किसे कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स। कितना मार्क्स, ये स्ट्रक्चर और नीचे वाला देखे जाते हैं तो उनको मिलाकर 1.5 मार्क्स मिलेगी, और 1.5 मार्क्स मिलेगा सर आपको बीच वाला पार्ट में। तो जब भी बीच वाला पार्ट एडिटर में लिखना है, सेम टू सेम यहीं से लेकर कोई भी पेपर में आप लोगों का न्यूज़पेपर में आ जाए आपका एडिटर के पास लिखने के लिए, आपको यहां से लेकर यहां तक सेम लिखना है। और यहां पे जो सब्जेक्ट में कहा जाएगा, मान लेते हैं कि वाटर सप्लाई, तो वाटर, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहाँ पे लिखा गया कि रोड एक्सीडेंट, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से संबंधित अधिकारी से चाहता हूं कि वे बढ़ती सड़क दुर्घटना को ध्यान दे, क्या करे, ध्यान दे। During recent month there is an alarming increasing an accident, only last week an auto rickshaw is collided with the truck in the road due to great risk। और क्या होता है, क्या पिछले महीने के दौरान, क्या पिछले महीने के दौरान क्या हुआ था, समझेगा, पिछले महीने के दौरान दुर्घटना में चिंताजनक वृद्धि हुई, दिन प्रतिदिन जो संख्या में वृद्धि होती है ना
आपका एक्सीडेंट का उसी के बारे में कह रहा है कि पिछले महीने के दौरान दुर्घटना में चिंताजनक वृद्धि हुई। पिछले सप्ताह ही एक ऑटो रिक्शा अत्यधिक लापरवाही के कारण सड़क पर ट्रक से टकरा गया था। ऑटो रिक्शा लापरवाही के कारण सड़क जो है ट्रक से टकरा गए थे, याद रखिएगा। मोर ओवर द रीजन रीजन बिहाइंड दिस एक्सीडेंट इज द वायोलेशन ऑफ रोड एंड सेफ्टी रूल्स। और आगे कहता है इसके अलावा इन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण सड़क एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। सुरक्षा के नियम का उल्लंघन कैसे, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्रॉस, मान लेते जेब्रा क्रॉसिंग करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है ना, रेड बात करना, रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट चलती है, तो इसको हम लोग पालन नहीं करते, हम लोग स्पीड में रहते हैं और पार हो जाने की कोशिश करते हैं और हमारे एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, आगे कहता है क्या, कहता है सर कि द ट्रैवलिंग विदाउट फास्टिंग द सीट बेल्ट ऑफ वार्निंग ए हेलमेट स्पीकिंग ऑन मोबाइल फोन भी व्हील ड्राइविंग आर आल्सो ए टाइप ऑफ क्राइम। और कहता है क्या, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेगा क्या कहता है, समझेगा। इसके अलावा इन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण सड़क इन सड़क एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। बिना सीट बेल्ट लगाए व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करना या हेलमेट बिना पहनकर हेलमेट पहनकर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करना। मान लेते हैं कि आप हेलमेट पहन लिया, अपने माथा का सेपरेट कर लिए और उस समय आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं किसी मालकिन से या किसी से भी बात कर रहे हैं। तो बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करना या हेलमेट पहनकर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना भी एक प्रकार का अपराध है। क्या है, मोबाइल फोन पे चलते हुए बाइक में मोबाइल फोन का उपयोग करना भी एक तरह का क्या है, अपराध है। आगे कहता है सर द कंट्रोल द रोड एक्सीडेंट एवरी सिटीजन मस्ट लर्न टू अबे सेफ्टी रूल फाइंस पनिशमेंट ऑफ जेल पनिशमेंट और जेल टर्म फॉर सीरियस ऑफेंडेड दिस वुड हेल्प आवर रोड्स रोड टू सेफ। नो वन शुड बी अबव द लॉ एंड नो वन शुड अलाउड टू गेट अवे विद अ ट्रैफिक ऑफेंस। कहता है फर्स्ट में इस सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नियम पालन करना चाहिए। अगर सड़क दुर्घटना को हम लोग को कम करना है तो नागरिकों को चाहिए कि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून का पालन करें। आगे कहते हैं गंभीर अपराधियों के लिए जुर्माना सजा या जेल की सजा, इससे हमारे सड़कों की सुरक्षा बनाने में मदद मिलेगी। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे कहता है सर किसी भी यातायात अपराधों से बच निकलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने एक्सीडेंट किया है, एग्जांपल मान लेते हैं कि आप क्या किए हैं, एक्सीडेंट किए हैं, आप अगर एक्सीडेंट कर लिए हैं तो आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा आपको क्या करना होगा कि आपको वहां पे खड़ा हो जाना है और उस व्यक्ति का हेल्प करना है। लेकिन क्या होता है ना कि उस आदमी को भी ठोकना शुरू कर देते हैं। खैर वो तो पर्यावरण का नियम है, लेकिन कानूनी नियम यह है कि मारने के बाद आपको खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये दो लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। तीसरा लेटर अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। दोनों लेटर को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते इसी तरह से एक अगला वीडियो।